हे गाइस, तो आज बर्थडे है मेरा। सुबह के 4 बज रहे हैं एंड सो नहीं पा रहा हूँ। दोस्त आए थे 12 बजे और उसके बाद 1 बजे तक हम मस्ती किए। उसके बाद सोचा सो जाऊंगा, अभी कल सुबह बाहर जाना है, पर बहुत कोशिश कर ली, नींद नहीं आ रही है। आई डोंट नो क्यों ऐसा होता है। दिमाग में इतनी ज़्यादा टेंशन रहती है फ्यूचर की, इतनी ज़्यादा टेंशन रहती है एंड दैट्स नॉट लेटिंग मी स्लीप। बहुत टाइम से कोशिश कर रहा हूँ, मतलब 5-6 बार सोने की कोशिश कर ली बट नींद नहीं आ रही। फिर मैं सोचा तो उठ जाता हूँ, व्लॉग ही बना लेता हूँ, बर्थडे व्लॉग हो जाएगा एंड यप हियर आई एम। एक तरफ थोड़ी सी टेंशन ज़्यादा हो रखी है, पता नहीं क्यों, मतलब बार बार हिट करता रहता है कि भाई अब 25 के हो गए हो, अभी तक तो सेटल हो जाना चाहिए था एंड बट एक तरफ ये भी लगता है कि नहीं, 25 के हो, तुमने ऑलरेडी बहुत एक्सप्लोर कर लिया है एंड यू हैव लर्नड अ लॉट अबाउट योर सेल्फ, बट और बहुत कुछ करना बाकी है। दोनों सोच रख सकता है बंदा, कि एक तरफ बहुत पॉजिटिव रह सकता है कि हाँ यार अभी टाइम है, मैं करके दिखाऊंगा। एक तरफ वो एक टेंशन रहती है कि 25 के हो गए हो, बहुत कुछ संभालना है एंड कब तक यू नो बस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते रहोगे। मतलब मुझे सच्ची में जानना है कि आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, क्योंकि किन्हीं किन्हीं बच्चों को मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उनको फ्यूचर की टेंशन ही नहीं है, पर एक तरफ जब मैं मतलब 24 घंटे दिमाग में घूमता रहता है कि यार कुछ काम कर लो, कुछ काम कर लो, कुछ काम कर लो एंड बट इट्स अ वेरी, कैसे बताऊँ यार, मतलब बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि काम करते रहो, वर्कहोलिक वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा आती है। तो अगर आप भी वर्कहोलिक हो, आप बहुत ज़्यादा हसल कर रहे हो तो कुछ गलत नहीं है, मुझे तो ये लगता है, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड फीलिंग ऑल्सो टू हसल। दिमाग क्या है, पूरे टाइम बिजी रहता है कि और क्या कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड मोर वर्क, और कहाँ से सीखूँ एंड बहुत अच्छा लगता है। बट कभी कभी अजीब भी लगता है, लाइक टुडे कि यू नो अच्छे मोमेंट है, बर्थडे है, थोड़ा इन्जॉय कर लेता हूँ, बट नहीं, दिमाग वो हो जाता है कि आयुष काम भी ज़रूरी है यार, क्या कल काम भी कर ले थोड़ा। तो आई गेस 2-3 घंटे से दिमाग में यही घूम रहा है कि कैसे आज एक और अच्छी चीज़, 2 साल पहले हमने कंपनी स्टार्ट की थी जो अभी वेक के नाम से है, वहाँ पे हम बहुत सारा कंटेंट क्रिएशन करते हैं और उस कंपनी ने मेरा ना एक एक नज़रिया बदल दिया है, बहुत सीखने को मिला है एंड आज वो कंपनी को भी 2 साल हो गए। सो एक तरफ वो बहुत खुशी है कि 2 साल तक, यू नो बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये 2 साल, क्योंकि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं जब आप कंपनी खोलते हो, लगता है कि चलो खोल लिया अब पैसे पैसे आएंगे, बट उसके अलावा इतनी सारी चीज़ें होती है एक बिज़नेस में, वो अब रियलाइज़ होता है और 2 साल बाद अब लग रहा है कि हाँ बिज़नेस में स्टेबिलिटी आ रही है, विजन दिखाई दे रहा है, जो मैंने सोचा था स्टार्टिंग में कि अरे यार ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बट नहीं, कुछ भी वैसा नहीं हुआ। वी स्टार्टेड एज एन इवेंट्स कंपनी एंड इवेंट्स के बाद हम कहाँ घुसे, कुछ तो गए, कुछ हमने बहुत सपने देखे थे, मैंने पूनम और राहुल ने एंड सब कुछ, मतलब ऐसा लग रहा था कि स्टार्ट हमने कहीं और किया, अभी हम है कहीं और, बट इस 2 साल में जो भी हुआ है आई स्टिल फील इट हैज़ हैपेंड फॉर गुड, बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है। अब तो मुझे लग रहा है व्लॉग बनाने के बाद मेरी नींद और भी ज़्यादा उड़ जाएगी, 4:10 हो रही है, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। कल विला में भी मेरे कम ही दोस्त आ रहे हैं, सबका ऑफिस है, बट रियली हैप्पी कि यार चलो ऑफिस की वजह से उनका नहीं आना हो रहा। क्यों भाई, क्यों 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 भाई, 4:12 हो रही है और व्हाट्सएप और काम खोल के बैठा हूँ। थोड़े से बर्थडे विशेज मुझे लगा थोड़ा आ जाएगा किसी क्लाइंट का मैसेज, थोड़ा काम कर लेंगे, बट नहीं, ज़्यादा कोई मैसेजेस भी नहीं है। अब और सोचना पड़ेगा क्या काम करें। मतलब मेरे को तो लग रहा है कि जो रात वाला सीन होता है वो ख़राब होता है भाई। सुबह 6 बजे उठो, वर्कआउट करो, पता नहीं रात को दिमाग अलग ही जगह चलता है, ऐसा लगता है कि जो ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी होती है ना, जो एकदम कि टास्क खत्म करो, वो वाली सुबह रात को शायद कम आती है। मतलब 1 घंटा ब्लॉग्स देखे होंगे टू अंडरस्टैंड कि मुझे कैसे ब्लॉग्स बनाने हैं। तो इस चैनल में आपको ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, दोस्ती दिखाई देगी, एक्सपीरियंसेस दिखाई देंगे, मतलब लाइफ में डायरेक्शन। आज 25 साल हो गए हैं, 25 साल में भी मैं क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाया हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि लाइफ में डायरेक्शन नहीं थी एंड अभी भी डायरेक्शन ढूंढ रहा हूँ कि एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या होगी भाई, कि तू इसमें घुस और इसमें ग्रो कर। एंड मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में जितने भी लोग हैं दे आर डायरेक्शनलेस। एक बार एक इंसान को डायरेक्शन मिल जाती है ना कि उसको लाइफ में करना क्या है, लाइफ बिकम्स सो वेरी इजी, क्योंकि इतने डिस्ट्रैक्शंस आप रिमूव कर पाते हो
वंस यू नो वॉट यू हैव टू डू, आपको पता है कि बाकी चीज़ों पे फोकस करना ही नहीं है, वाइफ से ये चीज़ें रिलेट हो रही हैं, मुझे ये सीखना है एंड दैट्स समथिंग आई वॉन्ट टू डू. तो 25 साल लग रहे हैं मेरे को एंड अभी भी आई एम फीलिंग कि चलो आ रहा है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है. पर कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जल्दी आ सकता था अगर यू नो करेक्ट गाइडेंस पता होता कि भाई इस करियर में ऐसे, इस करियर में ऐसे, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता. हाँ यार, कैसे हम हसल करते हैं, कैसी लाइफ चल रही है, इट्स ओके टू ग्रो स्लोली. पैसा कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आ सकता है, या दोस्ती में क्या होता है, फैमिली में क्या होता है, अच्छा सा पॉजिटिव व्लॉग रखना है. एंड आई होप कि आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा. दैट्स समथिंग आई एम एमिंग फॉर बहुत कुछ. आई एम सो हैप्पी कि चलो इसमें यार किसी को सीखने को मिल जाए, किसी को थोड़ी पॉजिटिविटी मिल जाए, डिसिप्लिन सीखने मिल जाए, मोटिवेशन देखने मिल जाए, फिटनेस देखने मिल जाए, तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होगी. तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड यप, माय 25th बर्थडे बिगिन. ओम नमः शिवाय. कैसे सुबह 4:30? 8.44. बाप रे बाप. सुबह में एक चीज हमेशा बेस्ट, जो शांति रहती है ना, कोई आवाज नहीं, कोई कचर पचर नहीं. उठो कभी 4:30-5 बजे और आके देखो नीचे, इतना अच्छा फील होएगा. डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड, ओनली यू, आपका काम, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, सब सुबह सुबह हुए, मजा आ जाता है. वाह. बज रहे हैं सुबह के 5 और अभी हम सुन रहे हैं राज शमानी का पॉडकास्ट बियर्डो वाला. एंड इससे पहले मैंने कंटेंट क्रिएटर का पूरा गैरी वी का सुना. काफ़ी दिमाग खुल जाता है व्हेन यू लिसन टू समवन. इमीडिएटली आपको बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं. उन आइडियाज़ के लिए याद रखना, जो भी आइडियाज़ आए इमीडिएटली उसको नोट डाउन करो. क्या है, वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं. आप सब कुछ याद नहीं रख पाओगे एंड यू मे मिस आउट ऑन अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी और एन आइडिया. तो जब भी आप कोई पॉडकास्ट सुनो और जब भी आइडियाज़ आए इमीडिएटली लिख लो, इतना ज़्यादा हेल्प होएगा ना आपका. मेक श्योर यू डू इट. बहुत फ्रेश है यार, बहुत फ्रेश है. 1 घंटा हो गया, पता नहीं चल रहा है, इतने ब्यूटीफुल थॉट्स आ रहे हैं ना. वाओ वाओ, अनपैरेलल. के 6 बज गए हैं अब, तो पापा भी नीचे आने वाले हैं. एंड अभी मैंने सुना मनीष पांडे का पॉडकास्ट क्रिएटर्स पे. भाई इट वाज सो गुड, सो इंस्पिरेशनल, द वे ही टोल्ड कि जो भी हम लोग कर रहे हैं ना, जो मैं कर रहा हूँ आज, मुझे भी 4 साल हो गए हैं वीडियोस बनाते बनाते. 1000 चीज़ें, मतलब मैंने बहुत पेजेस बनाए हैं, बहुत टेस्टिंग करी है एंड अभी भी मैं एक्सपेरिमेंट कर ही रहा हूँ कि और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, हाउ आई कैन इट, हाउ कैन आई बी बेटर, हाउ कैन आई प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन, बी मोर वैल्यूएबल. तो इट्स अ लॉन्ग टर्म जर्नी, नंबर 1. नंबर 2, येस ये फुल टाइम बनाया जा सकता है, गिवन दैट आप अपना बिलीफ रखो. काफ़ी काफ़ी लॉन्ग टर्म रिटर्न्स एंड काफ़ी ब्यूटिफुल रिटर्न्स, बिकॉज फ्यूचर पूरा इंटरनेट है, पूरा कॉन्टेंट है एंड और लोग आने वाले हैं, व्यूअरशिप और बढ़ने वाली है. तो मेक्स मी संतुष्ट कि आई एम ऑन द राइट पाथ. 1-2 आइडियाज आए तो मैंने पूनम को मैसेज भी किया कि देख पूनम, इन आइडियाज पे अपने वर्क कर सकते हैं, इट विल जेन्युइनली बी वेरी हेल्पफुल. तो यप, मेक श्योर इट हैपेंस.